फ्रेंड्स, वेलकम टू क्वेश्चन एंड आंसर। सो टुडेज आवर टॉपिक इज एक्सपेंसेस एंड एक्सपेंडिचर। बहुत लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि एक्सपेंसेस एंड एक्सपेंडिचर में डिफरेंस क्या है, दोनों तो सेम ही है। तो आज हम इस कंफ्यूजन को दूर करेंगे। तो फर्स्ट ऑल हम डिस्कस करेंगे एक्सपेंसेस के बारे में। एक्सपेंसेस वो एक्सपेंसेस होती है जो वन ईयर के अंदर अंदर हम करते हैं, लाइक सैलरी जो पर मंथ दी जाती है, रेंट पर मंथ, बैड डेब्ट्स डिपेंड्स, तो एंड मेनी मोर। ये सारी चीजें जो हम वन ईयर के अंदर ही करते हैं ये एक्सपेंसेस हैं। एंड एक्सपेंसेस टू टाइप्स के होते हैं। फर्स्ट वन इज प्रीपेड एक्सपेंसेस। प्रीपेड एक्सपेंसेस हम अलग भाषा में कह सकते हैं एडवांस पेमेंट। हमने किसी को एडवांस दे दिया है, लाइक हमने सैलरी दे दी है 2 महीने की, फिर ऐसा देते नहीं है सैलरी एडवांस, लाइक जैसे उसे चाहिए, जरूरत है तो उसने मांगी, हमने दे दी उसे एडवांस, तो सैलरी एडवांस प्रीपेड एक्सपेंसेस हमने कर दिया। रेंट हमने 2 महीने के साथ में भर दिए, तो ये सारी चीजें होती है प्रीपेड एक्सपेंसेस। एंड सेकेंड वन इज आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस मतलब हमें ये देना है बट हमने अभी तक दिया ही नहीं है, लाइक सैलरी फिर से हमने अभी तक काम करवा लिया है बट 2-3 महीने की सैलरी अभी तक रोक के रखी हुई है, अभी तक दी ही नहीं है। तो सारी चीजें होती है आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। रेंट नहीं पे किया है अभी तक, महीनों महीनों तक पे नहीं किया है, बट ऐसा नहीं होता कि हम उसको 2 साल तक पे नहीं करते हैं। रेंट मतलब जो भी 1 साल के अंदर अंदर पे करनी होती है वो होती है एक्सपेंसिस, और अगर हमने उसे पे नहीं करी है वो होती है आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसिस, और हमने एडवांस में पेमेंट कर दिया वो होती है प्रीपेड एक्सपेंसिस। तो अब स्टार्ट करते हैं एक्सपेंडिचर। एक्सपेंडिचर जो 1 साल से ज्यादा के लिए होता है, लाइक फर्स्ट वन इज कैपिटल एक्सपेंडिचर। अब हमने मशीनरी खरीदी है, इसके लिए जो हमने एक्सपेंस किया है, जो पैसे हमने इन्वेस्ट किए हैं, तो 1 साल से ज्यादा के लिए किए हैं ऑब्वियसली, क्योंकि मशीन कम से कम 5-6 साल तक रहेगी। बिल्डिंग अगर खरीदी है तो ये भी गलती 10 साल के लिए रहती है, 20 साल। तो ये जो भी चीजें हम फ्यूचर प्रॉफिट के लिए इन्वेस्ट करते हैं वो होता है कैपिटल एक्सपेंडिचर, जो हमें बाद में फ्यूचर में अर्न करके देगा। जैसे मशीनरी हमें हेल्प करेगी अर्न करने में, बिल्डिंग से हमें अर्न होगा। एंड सेकंड वन इज रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर इज लाइक ट्वेल्व जो हमें हेल्प करती है, ये हमारा कोई प्रॉफिट नहीं इंक्रीज करती बट ये हेल्प करती है कि हमारा प्रॉफिट बना रहे। जैसे फ्यूल हम मशीनरी में डालते हैं जो रॉ मटेरियल की तरह यूज होता है, रॉ मटेरियल जो हमें फाइनल प्रोडक्ट बनाने में हेल्प करता है, ये सारी चीजें हम खर्च करते हैं इनके ऊपर, बट ये हमें डेली प्रॉफिट नहीं देती है, बट ये रहती है जो हमें प्रॉफिट मेंटेन करती है। तो आई होप सबको समझ आ गया होगा बेसिक डिफरेंस दोनों में क्या था। तो दैट्स ऑल फॉर टुडे। अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे। बाय बाय एंड डू सब्सक्राइब लाइक एंड कमेंट ऑन माय चैनल। बाय।